आज की जो राइड होने वाली है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं ये युंगतेंग का बड़ा अच्छा वाला, यहाँ पे ये सेल्फी स्टिक है तो इसको यूज़ करने वाले हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:24। हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह उठ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं अभी हमारी नेक्स्ट राइड के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको बताते हैं बाइक पे, और बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पे बाइक पे। अभी मैं आपको एक बार मीटर की रीडिंग बता देता हूँ। यहाँ पे 88,692 किलोमीटर हो रखे हैं और टाइम अभी हो रखा है 6:20 और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ जयपुर से। हमारा आज का डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर के आसपास, 130-140 पड़ेगा। आज की राइड होने वाली है बहुत दिनों के बाद फिर से लंबी राइड ऑन प्लेटिना। मतलब प्लेटिना पे क्यों हो रही है, इसका रीज़न है कि आप बोलोगे भाई साहब आपके वास्ते हिमालयन है, प्लेटिना पे क्यों जा रहे हो। मेरे साथ अभी क्या, मेरा राइडिंग पार्टनर पूजा मेरे साथ है अभी विदाउट राइडिंग गियर। यार मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है इतनी लंबी राइड करना और वो इतनी बड़ी बाइक के ऊपर, तो विदाउट राइडिंग गियर यार मैं रिस्क नहीं ले सकता। उनके लिए भी बहुत जल्दी हमें जैकेट लेना है, राइडिंग गियर लेना है, फिर उसके बाद उनको हिमालयन पे फिर हम दोनों लोग साथ लंबी राइड कर सकते हैं। क्योंकि अपन लोगों को एक्सपीरियंस तो है ही कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है बाइक के ऊपर तो किस टाइप से बचना है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपन लोगों को, लेकिन इनको क्या है बिल्कुल भी नहीं है। अपन पहले भी तो इसी पे किया करते थे लंबी लंबी राइड्स, तो कोई इशू नहीं है। प्लेटिना पे भी, प्लेटिना भी शानदार बाइक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमारा प्लान ये है कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कोका सामेर इस साइड। अभी जैसे कि सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। एक और हमारा जो राइड पार्टनर है वो हमें ज्वाइन करे, अगर हुआ तो उनको, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर वो ज्वाइन करते हैं तो। ये यहाँ पे अभी एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, ये 22 गोदाम वाली एलिवेटेड रोड, जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग जैसे सुबह ऑफिस जाते हैं तो काफ़ी, ये देखो यहाँ पे रोड के ऊपर डामर गिरने का काम चालू हो गया है। अब फटाफट अपन निकलते हैं सिटी से और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई साहब हम आ गए हैं अभी बिरला मंदिर के सामने और ये आ गए हम जयपुर के सबसे खतरनाक वाले चौराहे पे। अभी पीछे से सनराइज चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितने दिनों के बाद यार खाली रोड पे ऐसे चला रहा हूँ, भले ऑफिस टाइम निकलते हैं। भाई साहब यही रोडें बिल्कुल खचाखच भरी हुई होती हैं और अभी 6:30 रहे हैं तो रोडें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, मज़े आ रहे हैं चलाने में। जैसा कि यार प्लेटिना का अभी इंजन का काम हो चुका है तो थोड़ी सी इसमें मेरे को पावर की कमी अब लगने लगी है, मतलब सिंगल में तो नहीं लगती लेकिन हाँ डबल सवारी में पावर की कमी लगने लगी है। फटाफट यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट नगर से कोकस वाला रास्ता लेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर फटाफट क्रॉस करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। अगर तुम्हें बाइक रुकवानी हो तो मेरे पीठ पे मार देना। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा साथ राइड नहीं किया हुआ है तो मैं उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि भाई अगर रुकवाना हो तो किस टाइप से इशारे करने हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इंटरकॉम भी नहीं है। इंटरकॉम भी लेते अगर आली एक्सप्रेस बंद नहीं होती तो। हाँ 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 हाँ, इस साइड आते तो ठंड का एहसास होने लगा है। वहाँ बजरंगबली महाराज, जय बजरंगबली महाराज, यात्रा सफल बनाना। तो जी हाँ, जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पांडुपोल सरिस्का। सरिस्का में पांडुपोल का जो हनुमान मंदिर है वहाँ जाके आएंगे, क्योंकि वो शनिवार और मंगलवार ही ओपन होता है। तो भाई साहब टाइम हो गया है 6:45 और अभी हुआ क्या, ये देखो बैग मेरे को आगे लेना पड़ रहा है क्योंकि भाई साहब ठंड बहुत ही ज्यादा लग रही है और मैं कोई जैकेट भी नहीं लेके आया हूँ पहनो। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है जिसके कारण से भाई साहब मैंने तो बैग को आगे ले लिया है कि यार कुछ परसेंट तो यहाँ पे थोड़ा ठंड से बचा जाए। अरे वाह भाई साहब, यहाँ पे सनराइज हो भी गया और हमने ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पहाड़ों के बीच से देखो सूरज निकल भी चुका है। टाइम 6:52 हो चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट कोकस के इंडस्ट्रियल एरिया उसके पास पहुँच चुके हैं। अभी हमने किलोमीटर की बात करूँ तो 28 किलोमीटर हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। ये क्या बना हुआ है भाई, यहाँ पे जंतर मंतर जैसा कुछ बना हुआ है, यंत्र है ना उसकी कॉपी करी हुई लग रही है। ये वो किला दिख रहा है ना, वो अचरोल फोर्ट है, कभी हुआ तो चलेंगे उस किले पे भी जो कि अचरोल फोर्ट है। ताला मोड़ उजा, ताला मोड़ में आ रहे जा, स्टार्ट होगा। पेट्रोल पंप से आगे चाहिए ताला मोड़। हाँ पेट्रोल पंप से आगे जाए। ठीक चाल तो पहुंच। ओके अभी हम क्या करते हैं जीपीएस लगा देते हैं क्योंकि हमको रास्ता नहीं पता है।
भाई साहब यहाँ पे हम निकल रहे हैं अभी पहाड़ों के बीच में से, इधर पहाड़ और इधर पहाड़ और बीच में से हम निकल रहे हैं यहाँ पे। आइए आइए आइए। 10 किलोमीटर बस तो ऐसे ही रहेगा, 10-15 किलोमीटर बता रहे हैं। तो यहाँ से अभी तो हमें टाइम लगने वाला है 2.5 घंटे, रास्ते से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। भाई साहब जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार इस साइड का तो। हाँ यार ये रोड हिमालयन के लायक है। तो आगे ये है सुरेंद्र जी और उनकी वाइफ, ये लोग भी हमारे साथ अब यहाँ से चलेंगे। एक छोटी सी सूचना जनहित में जा रही है कि अगर आप कोई छोटी बाइक या ऐसी बाइक लेके आ रहे हैं और आ रहे हैं इस वाले रूट से, ताला प्रतापगढ़ वाले रूट से, तो भाई साहब प्लीज आना ही मत। तो पूरी गाड़ी ढीली हो गई है इस वाले रास्ते से आते हुए भाई साहब। वाओ कितनी प्यारी लोकेशन आई है, मतलब रोड के दोनों साइड यहाँ पे गेहूं उगे हुए हैं यहाँ और वहाँ पे। इतना शानदार व्यू लग रहा है ये वाला, कितना शानदार लग रहा है। भाई साहब 20 किलोमीटर कमर तोड़वाने के बाद अभी ये कोई पीपली की ढाणी आया है, वहाँ के बाद अब थोड़ी रोड है ना वो ठीक आई है, मतलब अच्छी रोड आ गई है। अब यहाँ से हमें बता रहा है कि 58 किलोमीटर और है और हमें लगेगा 1 घंटा 46 मिनट, मतलब हम लोग पहुँचेंगे 9:45 में। भाई साहब हम लोग कहाँ 9 बजे पहुँचने वाले थे और पता नहीं इस रास्ते से आ गए तो इतनी लेट हो गए। यहाँ पे देखो पहाड़ों का क्या गजब का सीन चल रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, ये सरिस्का का टाइगर रिजर्व है, उसका मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हम लोगों को टिकट लेना पड़ेगा बस के 440, जीप के 275 और कार मोटरसाइकिल के 35 रुपये हैं। प्रवेश टाइम प्रातः 8 से 3:30 बजे तक। हाँ दो बाइक का, दो बाइक 70 ठीक। हाँ दो मोटरसाइकिल हैं। अभी हमारे यहाँ पे क्या रजिस्टर के अंदर डिटेल्स वगैरह नोट करी गई है, तो मैं हमारे जो पार्टनर से उनसे मिला देता हूँ। यहाँ पे अभी ये सुरेंद्र है जो हमारे ऑफिस में काम करता है और ये उनकी मिसेज है, तो इन दोनों को भी मतलब पहली बार वीडियो में आ रहे हैं ये लोग भी, पहन लो फटाफट क्योंकि अब रास्ता है खराब, सब कुछ मिट्टी मिट्टी होएगा। तो मैं एक बार है ना आस्तीन भी सही कर लेते हैं। अब इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है, रोड बिल्कुल नहीं है, इसी टाइप से ऑफ रोड वाली चीज़ है, एंट्री वहाँ पे करवा दी है। तो ये जो ट्रेल्स जा रहे हैं साइडों में, इन ट्रेल्स में यहाँ पे अंदर जब सफारी की जाती है तब यहाँ अंदर जाते हैं इन ट्रेल्स में। वाओ यहाँ तो लिटरली स्लिप होने का तो डर है ही यार। इनफील्ड हिमालयन उन पर तो नहीं है क्योंकि वो तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, अब यहाँ पर धूल उड़ेगी। गाड़ी प्लेटिना तो यार इस वाली रोड पर तो ऐसे हिल रही है पूरी तरह से, और वो पीछे क्या कैमरे से सीन लेने के लिए थोड़े मोमेंट चल रहे हैं तो बाइक पूरी डिसबैलेंस हो रही है पूरी तरह से। यार ये तो रोड बहुत ही बहुत ही बहुत ही ख़राब रोड है यार, बहुत रोड ही नहीं है, रोड तो कह रहे हो गई गई गई। स्लिप बहुत हो रही है यार, इसके पतले टायर है ना इसलिए। यहाँ पे जब अगर आप आते हो तो अगर ग्रुप में आ रहे हो तो साथ साथ चलें, किसी भी साइड से आ सकते हैं, तो यहाँ पे धीरे ही गाड़ी चलाएं और साथ साथ रहें। तो ये तो नील गाय है यहाँ पे, नील गाय ऐसे बेवकूफ होते हैं हॉर्न मार रहे हैं यहाँ पे। वन्य क्षेत्र में आप हॉर्न नहीं मार सकते हैं।